वर्तमान में कोरोना के साथ साथ कुछ मरीजों में ब्लैक फंगस बीमारी की शिकायत प्राप्त हो रही है। इसके लिए इलाज का प्रोटोकॉल तैयार किया जाए कि कैसे इसका इलाज और बीमारी का निदान किया जाए। इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने आज रात रेसिडेंसी कोठी में इस संबंध में आयोजित डॉक्टरों की बैठक में ये बात कही। बैठक में MGM मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ डॉक्टरों सहित इंदौर के सभी प्रमुख निजी अस्पताल के संचालक डॉक्टरगण उपस्थित थे। बैठक में सांसद शंकर लालवानी, राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य डॉक्टर निशांत खरे और कलेक्टर श्री मनीष सिंह भी मौजूद थे। फंगल इन्फेक्शन की शिकायतें आ रही हैं पोस्ट कोविड पेशेंट्स में, उसके संबंध में कई दिनों से चर्चा चल रही थी डॉक्टरों से। जो मेडिसिन के कंपनीज मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं या स्टॉकिस्ट हैं, CNDF एजेंट्स हैं, आज हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स को भी डॉक्टर्स को सब जो ओनर्स को बुलाया था, इसमें लोगों की सुविधा के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन पूरा एक हम लोग प्रोटोकॉल बना के दे रही है प्रशासन को कि क्या इसमें प्रिकॉशंस रखना चाहिए पोस्ट कोविड पेशेंट्स को, जो बहुत ज़रूरी है रखना ताकि फंगल ना हो। दूसरा इसके अर्ली साइज क्या है, मतलब क्या इसके इंडिकेशंस होते हैं कि फंगल हो रहा है, उसका ही बतला रहे हैं। और इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के बारे में कमेंट कर रहे हैं और क्यों हो रहा है उसके बारे में कमेंट कर रहा है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। उस पर से कुछ अस्पतालों को हम लोग नोटिफाई करेंगे फंगल ट्रीटमेंट के लिए। और मैं ये भी बतलाना चाहूँगा कि बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है ये और एकदम से तेज़ी से बढ़ती है। बहुत कॉस्टली इसकी मेडिकेशन होती है जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग से बाहर से आता है, तो उसके इश्यूज भी चल रहे हैं। इसलिए इसका प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है। एक बार हो गई किसी व्यक्ति को तो बहुत डेंजरस है उसके बाद ये। इसलिए इसमें हम लोग ऑर्डर भी जारी करेंगे कौन से अस्पताल इसके लिए म्यूकर क्लिनिक्स के नाम से जानी जाएंगी, जहाँ फंगल के पेशेंट जा सकेंगे। कौन से अस्पताल में ट्रीटमेंट्स होगा, उन अस्पतालों के साथ अन्य अस्पताल भी ट्रीट कर सकते हैं, पर एक आम जनता की नॉलेज के लिए कुछ इस तरह के सिम्टम्स आते हैं तत्काल चेक करें, वो सब नोटिफाई करने के आदेश हम लोग जारी करेंगे। इसका डाटा भी CMHO ऑफिस में पूरा रखा जाएगा कि जितने भी पेशेंट्स आ रहे हैं उसे डाटा नोटिफाई करेगा संबंधित अस्पताल CMHO ऑफिस को, ताकि वहाँ भी हम लोग स्टडी कर सकें, स्क्रूटनी कर सकें कहाँ से पेशेंट्स आ रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे।